हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ मेकअप लुक, या फिर आप इसको फेस्टिव मेकअप में भी यूज़ कर सकते हैं। फेस्टिव मेकअप लुक हम इसको बोलते हैं। तो अभी मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, ये बिल्कुल बेयर फेस हूँ मैं, और अपने बालों को अच्छी तरीके से मैं टाई कर लेती हूँ, बैंड वैंड लगा लेती हूँ ताकि आँखों में ना आए। एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, ये है द बॉडी शॉप का विटामिन सी मॉइस्चराइज़र, रिसेंटली मैंने लिया है और अभी भी मैं इसके रिव्यूज़ थोड़े टाइम बाद शेयर करूंगी कि एग्जैक्टली कैसा वर्क कर रहा है, बिकॉज अभी आई थिंक 15-20 डेज ही हुए हैं। तो ठीक है, अच्छा है, काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज तो कर देता है स्किन को, बट वो जो ग्लो वाला चीज़ होता है ना फैक्टर, वो अभी तक तो नहीं आया है। देखते हैं, क्योंकि यूजुअली ये प्रोडक्ट्स थोड़ा लॉन्ग रन में यूज़ करते हैं तभी इफेक्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है अपने अंडर आईज़ पे और सब जगह स्किन पे, और अब मैं थोड़ा सा लिप बाम लगा रही हूँ। अगेन, मैं ये बॉडी शॉप का ही लिप बाम लगा रही हूँ, ये मैं पिछले 1.5-2 साल से यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी पसंद है। और यहाँ पर मैंने यूज़ किया है मैक का प्रेप एंड प्राइम, इट्स लाइक अ प्राइमर, थोड़ा सा शीन इफेक्ट देता है ये। तो अब जो प्राइमर आपके पास है आप अपने प्रोडक्ट्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, तो वो आप चेक कर लीजिएगा इफ इन एनी केस आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करना हो तो। तो यहाँ पर प्राइमर लगाने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, ये है LA Pro HD कंसीलर एंड दिस इज़ इन द शेड मीडियम बेज। अगर आपका मेरे टाइप का कॉम्प्लेक्शन है, मोस्टली इंडियन स्किन टोन पे ये कलर बहुत अच्छा जाता है, तो ये मैंने अंडर आइज़ को हाइड करने के लिए, मतलब जो कैंसिल करने के लिए जो डार्कनेस है, मैंने ये लगाया है। ये बहुत अच्छे से कवर कर लेता है, आपको कलर करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसको लगाने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ डॉटर अर्थ का लिप एंड चीक टिंट। तो इसको मैं क्या करने वाली हूँ, फाउंडेशन लगाने से पहले मैं आजकल ये वाला ब्लश लगाती हूँ। ये एक बहुत अच्छा नेचुरल सा ग्लो इफेक्ट देता है स्किन पे, नेचुरल ब्लश लगता है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत ओवर द टॉप ब्लश लगाया। आई नो अभी ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इसको बस इतना ही ब्लेंड करूँगी मैं, इससे ज़्यादा ब्लेंड नहीं करने वाली हूँ। एंड इसके ऊपर फिर मैं फाउंडेशन लगाऊंगी, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, किस तरीके का इफेक्ट आएगा। उसके बाद थोड़ा सा मैंने नोज़ पे भी लगा लिया है, लाइक आपको जहाँ जहाँ जैसे लगाना है वहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं मिलानी का 2-in-1 कंसील एंड फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, बहुत कम मैंने अमाउंट लिया है बिकॉज मुझे बहुत हैवीनेस नहीं चाहिए अपने स्किन पे। तो बिल्कुल सेंटर ऑफ माय फेस पे मैं ये फाउंडेशन लगाने वाली हूँ और इसको मैं ब्लेंड करते हुए टूवर्ड्स माय हेयर लाइन लेकर के जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं ब्रश यूज़ करने वाली हूँ, फाउंडेशन ब्रश। आप चाहें तो अपने फिंगर की हेल्प से भी फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, बट मैं कंफर्टेबल ज़्यादा होती हूँ ब्रश में। तो ये रियल टेक्निक का फाउंडेशन बफिंग ब्रश है, इसको मैं डैप डैप मोशन में अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड अब देखिए, आप जो ब्लश मैंने लगाया था वो कितना लाउड लग रहा था एंड अभी कितना ज़्यादा सटल लग रहा है, ऑलरेडी वो काफ़ी सटल हो गया है। तो अब मैं इसके ऊपर कोई और ब्लश नहीं लगाऊंगी बिकॉज नहीं तो वो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगा, मुझे इतना ही ब्लश जो है वो पसंद है। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ये एक हाइलाइटिंग कंसीलर ले रही हूँ, ये येलो करेक्टर है वैसे तो, बट मुझे मेरे स्किन पे ये एज अ हाइलाइटर भी वर्क करता है। तो मैंने ये कलर लिया है एंड इसको यूजुअली मैं ये नहीं करती हूँ अपने मेकअप स्टेप में, बट आज मैंने ट्राई किया है जस्ट ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एंड रिजल्ट बहुत मतलब एवरेज ही था, बहुत अच्छा नहीं लगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम से उसको नहीं यूज़ करूँगी। तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कुछ भी ऐसे हार्श एजेस वगैरह ना लगे। और यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ फिटमी का लूज पाउडर एंड बिल्कुल हल्का सा मैंने लगाया है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाया बिकॉज मेरे स्किन का ऑयल इतना ज़्यादा अब रहता नहीं है, तो मुझे बहुत ड्राइनेस नहीं चाहिए अपने स्किन पे। तो ये लगा दिया है, अब मेरा स्किन काफ़ी ठीक लग रहा है। यहाँ पर मैंने वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर पैलेट जो है वो यूज़ कर रही हूँ मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे काफ़ी पसंद भी है। तो एकदम लाइट कॉन्टोरिंग मैं कर रही हूँ, बहुत डार्क कॉन्टोरिंग नहीं करने वाली हूँ। तो हल्की हल्की सी कॉन्टोरिंग मैंने कर ली है अपने चीक्स पे एंड साथ ही साथ थोड़ा सा मैंने अपने नोज़ में भी कॉन्टोरिंग किया हुआ है। नाउ कॉन्टोरिंग हो जाने के बाद आते हैं अपने आईज पे। तो यहाँ पर मैंने आईब्रोज को बिल्कुल लाइट हैंडेडली हल्का सा एक स्ट्रोक दिया है इसका आईब्रो पेंसिल का और ब्रश की हेल्प से इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर आईज के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ये मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट है और यहाँ पर मैं एस्टेरॉइड करके एक शेड है वो यूज़ कर रही हूँ एंड इसमें एक रेडिश ब्राउनिश काइंड ऑफ अ शेड भी है, वो भी मैं यूज़ करके अपने आउटर वी पे लगाना स्टार्ट किया है एंड फिर ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं इस शेड को अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो ये मैं क्रीज लाइन पे ही लगा रही हूँ अभी, तो उसके बाद फिर ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से पूरे जो लिड है उसमें मैं क्रीज ब्लेंड कर लूँगी। तो बहुत टिपिकल वाला एंड डिफ़िकल्ट वाला आई मेकअप मुझे करना पसंद भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा मैं करने वाली हूँ, 2-3 स्टेप में हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने वही बताया आपको, आउटर वी पे मैंने एक कलर लगा
लगा दिया है और इसके बाद अब मैं ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। नाउ अब मैंने रूबी ऑर्गेनिक्स का ब्राउन काजल लिया है एंड उसको मैं एज अ लाइनर लगा रही हूँ, तो थोड़ा थिक लाइनर तरीके से मैं लगाऊंगी। डार्क ब्राउन कलर है बट ब्लैक नहीं है, और इसको लगाने के बाद एज अ लाइनर की तरह लगाने के बाद मैं अपने फिंगर से की हेल्प से इसको अच्छे से स्मच कर लूँगी थोड़ा सा रफ लुक देने के लिए। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का लाइनर और बिल्कुल थिन लाइन मैं एकदम लगा रही हूँ लाइनर की, बहुत थिक नहीं लगा रही हूँ बिकॉज मुझे लाइनर बहुत थिक पसंद नहीं है। एकदम पतली सी स्ट्रोक ले रही हूँ बस, एक पतला सा, ये देखिए जिस तरीके से मैंने अभी लगाया है वो। एंड उसके बाद अगेन जो आई शेडो पैलेट है मेकअप रेवोल्यूशन वाली, उसमें से ये एक प्यारा सा गोल्डन कलर है शिमरी सा, हार्प करके इसका नाम है, वो मैं अपने आईलिड पर लगा रही हूँ। उसको लगाने के बाद मैं अच्छे से जो मेरा आउटर वाला कलर है और जो शिमरी वाला कलर है उसको मैं ब्लेंड कर दूंगी, और वही सेम कलर जो मैंने अपने आईलिड पे लगाया था उसको मैं अपने कॉर्नर ऑफ माय जो इनर आई का कॉर्नर है वहाँ लगा रही हूँ। एंड उसके बाद मैं एक हाइलाइटर का शेड ले रही हूँ और उसको मैं अपने चीक बोन्स पे लगा रही हूँ। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी आईलैशेस कर्ल कर ली हैं, और ये पैक का आईलैश लिया है, फेक आईलैश, इसका भी मैं लिंक दे दूंगी, वो मैंने अपने आईज पे लगा ली है। बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है इसकी जो आईलैशेस है, बहुत नेचुरल सी एंड प्यारी सी लगती है, एकदम डरावनी वाली नहीं लगती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने शुगर का कलर लिया है और वो लगाया है लिप पे, और यहाँ पर मैंने मॉरिकन ऑयल लिया है बिकॉज मैं अभी थोड़ा सा हीट यूज़ करने वाली हूँ अपने बालों में, तो इसको मैंने लगा लिया है अच्छे से। ये हीट प्रोटेक्शन का भी काम करता है, ये जो मॉरिकन ऑयल है आपके बालों को काफ़ी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तो वो मैंने लगा लिया है। और अब मैं स्ट्रेटनर की हेल्प से अपने बालों को कर्ल करूँगी। मेरे पास कर्लर भी है, स्ट्रेटनर भी है, क्रिम्पर भी है, बट आई लव टू यूज़ स्ट्रेटनर। ये आपके बालों में एकदम बिल्कुल मस्त तरीके के कर्ल्स प्रोवाइड करता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ रिजल्ट। तो मैंने क्या किया है, हाफ बालों को ले लिया है और उसको ऊपर टाई कर लिया है, और जो नीचे के सेक्शन के बाल हैं उनसे मैं स्टार्ट करूँगी एक एक स्ट्रैंड लेकर के, मतलब थोड़े ज़्यादा स्ट्रैंड लेना है, एकदम पतला स्ट्रैंड नहीं लेना है। तो ये लिया मैंने, और जिस भी डायरेक्शन में आपको टर्न करना है आप उस डायरेक्शन में इसको टर्न कर सकते हो। आपको इनवर्ड्स चाहिए, आउटवर्ड्स चाहिए, जैसा चाहिए वैसे आप रोल करिए एंड आपको एक बहुत ही शानदार तरीके के इस तरह के कर्ल्स मिल जाते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ जो मैं आउटर वर्ड्स की तरफ कर्ल करूँगी। देखिएगा, मैंने इसको ऐसे रखा और घुमा दिया, आपको बस अलग अलग डायरेक्शन में इसको फोल्ड करना है, दैट्स इट। आपके बहुत सुंदर सुंदर तरीके के कर्ल्स आ जाएंगे आपके बालों में। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैं पूरा अपने बालों को कर्ल करूँगी। तो यहाँ पर मेरे सारे बाल कर्ल्स हो चुके हैं एंड दे आर लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई एम लविंग इट। मतलब मुझे कहीं जाना होता है तब इस तरह के कर्ल्स नहीं होते हैं, बट आज बहुत अच्छे कर्ल्स हुए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे हुए हैं यार। तो यहाँ पर मैंने बिंदी लगा ली है, और ये जो साड़ी है ये मेरे फेरों की साड़ी है, मेरे शादी के टाइम की साड़ी है, और मैंने ये आई थिंक न्यू मार्केट से परचेस करी थी। शॉप का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ न्यू मार्केट की ही है ये। सो येस, दिस इज़ माई मेकअप लुक। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू सो दैन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब to my channel and comment down below। मैं मिलती हूँ आपको मेरे next video में। till then, bye।